नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नो स्टूडेंट सेल्फ में। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है PHIC 132 का यूनिट नंबर 7 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फ्रेंड पहले देख चुके हैं, हम सारा बहुत कुछ देख कवर कर चुके हैं। हम इकोनॉमी कवर किया हमने, एग्रीगेंट स्ट्रक्चर, एग्रीगेंट रिलेशंस कवर किया। इसमें हम सोशल स्ट्रक्चर कवर करेंगे, यानी सोशल रिलेशंस वगैरह कवर करेंगे। ये कब की बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं। और मैं आपको पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर आपने आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे जितने भी हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उस ज़माने में आप जानते हैं लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा दिए जाने लग गए थे, तो इसके कारण बहुत सारे इंटरमीडरीज उभरने लग गए थे, इनको बिचौलिया कहा जाता है। तो उनके पास अब धीरे धीरे इकोनॉमिक पावर भी आने लग गई थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी मिलने लग गई थी उनको। तो इससे पूरा जो वो वर्ण सिस्टम था ना, हमारा जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम, वो बिगड़ने लग गया। क्योंकि ये जो नए ग्रुप्स उभर के आ रहे थे, ये चारों वर्ण में से किस में जाएं ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो फॉरेन एथनिक ग्रुप्स थे और जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, उनके जो चीफ्स थे, उनको क्षत्रिय वर्ण में डाल दिया गया था। हालांकि उनको सेकेंडरी क्षत्रिय बोला जाता था, लेकिन एक्सपेंशन हो गया था क्षत्रिय वर्ण का भी। तो अब हर इंसान की जो पोजीशन थी वो वर्ण सिस्टम में बदलती चली जा रही थी, क्योंकि डिपेंड करता था सोशल, उसका रैंक क्या है ना, और किस तरीके से उसका, कितनी उसकी लैंड है, क्या उसकी हैसियत है सोशली, उस पर डिपेंड कर रहा था। और ये सारी टेंडेंसीज कब ज़्यादा बढ़ने लग गई? 9th-10th सेंचुरी में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। जो कायस थे, ट्रेडर्स थे, और जो रिच मेंबर होते थे पीजेंट्री के, इन लोगों को अब टाइटल मिलने लग गए, बड़े बड़े जैसे रनक, नायक वगैरह के इनको टाइटल मिलने लग गए। बहुत सारी नई जातियाँ उभरने लग गई। अब ये जो नई जातियाँ आने लगी, ये धीरे धीरे हर किसी को अफेक्ट करती थी, ब्राह्मण्स को भी, क्षत्रियस को भी, कास्ट को भी, शूद्रास को भी। बहुत सारे टाइप की मिक्स्ड कास्ट आ गई, अनटचेबल्स की कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो गिल्ड्स थे उनका अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे कास्ट में बदल चुके थे वो, क्योंकि जो उनका ट्रेड था वो तो ख़त्म हो चुका था। अर्बन सेंटर्स भी उनके ख़त्म होते जा रहे थे, और अब वो धीरे धीरे, आपने देखा पोस्ट गुप्ता पीरियड में, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। लोग लोकलाइज्ड एरिया में ही रहते थे। तो ये सब ने बड़ा हेल्प किया न्यू जातीज के फॉर्मेशन में। लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स की बात करें तो उस जमाने में जो लैंड लॉर्ड्स थे, अब उनका भी ग्रेड बदलता चला गया है ना। पहले एक कॉमन था कि हाँ लैंड लॉर्ड होते थे, बट इतने ज़्यादा ग्रांट्स मिलने लग गए कि अब किसी के पास बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास बहुत कम हो गई। तो इनको अलग अलग नाम से जानने लग गया, और उनके रैंक के हिसाब से तो अलग अलग टर्म्स इनके यूज़ होते हैं। जैसे किसी को भोगी बोलते थे, भोक्ता बोलते थे, भोगपति बोलते थे, महाभोगी बोलते थे, भृक्त भोगी भोगी बोलते थे। तो इनमें से जो अपर कास्ट क्रस्ट के लैंडलॉर्ड्स थे, उनमें भी था रैंक्स। जैसे अब उनको हम कैसे जानते थे, उनका था रनक, राजा, सामंत, महासामंत, मंडलेश्वर, ऐसे करके था अपर लैंडलॉर्ड्स में भी। फिर पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट्स का भी कुछ होमोजीनियस नहीं था, क्योंकि आप देखोगे धीरे धीरे आगे आगे हम पढ़ेंगे कि जो वैश्य थे उनकी स्थिति इतनी ख़राब होने लगी कि वो धीरे धीरे पीजेंट में बन गए, है ना। जो आर्टिजियंस थे उनका बिजनेस बंद हो गया था, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, पीजेंट बन गए। जो मर्चेंट्स थे, छोटे मोटे ट्रेडर थे, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई पोस्ट गुप्ता पीरियड में कि वो धीरे धीरे पीजेंट बन गए। तो पीजेंट्स भी बहुत तरीके के थे, तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कृषक, कृषाला, कृनासा, क्षेत्रजीवी, हलिका, अर्धश्री, अर्धिका, कुटुम्बी, ये अलग अलग नाम हैं इनके। बट इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि इनका लैंड पे कंट्रोल जरा भी नहीं था, मतलब एक सिर्फ काम करते थे उस पर, ठीक। अब प्रोलीफरेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, मतलब जातियों का प्रसार कैसे हुआ। तो जातियाँ क्या थी जो, अब देखो ये जातियाँ तो बढ़ ही रही हैं, है ना। साथ में क्या होता था कि जो ट्राइबल एरियाज की जातियाँ थी उनका भी बंटवारा होने लग गया। अब उनमें से कोई ब्राह्मण में गया, कोई क्षत्रिय हुआ, कोई शूद्र हुआ, कोई वैश्य बना,
हालांकि वैश्य का जो अस्तित्व था वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो चुका था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, क्योंकि आपने देखा इकोनॉमी पूरी एग्रीरियन हो गई थी, ट्रेड वगैरह होता नहीं था, बहुत नाम का ट्रेड रह गया था। वो भी वो ट्रेडर करते थे जो बहुत ही लग्जरी गुड्स वगैरह में डील करते थे, उतना पैसा हर किसी के पास होता नहीं था, छोटे मोटे ट्रेडर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे ना। तो इनमें आपकी बुक का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अभीर ट्राइब के लोग जो थे वो फ्रैगमेंट होके अभीर ब्राह्मण में बन गए, अभीर क्षत्रिय बन गए, अभीर शूद्र बन गए। ठीक है, ब्राह्मण्स की बात करें कि ब्राह्मण्स में किस तरीके से प्रसार हुआ, तो कुछ एक ब्राह्मण्स ने क्या किया, पहले ब्राह्मण्स जो थे वो सिर्फ मंदिर्स को अपनी सर्विस देते थे या फिर राजाओं को सर्विस देते थे। अब उन्होंने क्या किया, कुछ कॉमर्शलाइज कर दिया, क्योंकि देखो पैसे की कमी हर किसी को दिख रही थी पोस्ट गुप्ता पीरियड में, है ना। क्योंकि ट्रेड अगर कम हो गया तो बिजनेस कम हुआ, सपोज टेम्पल्स में थे कुछ लोग अब, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, और ब्राह्मण्स वगैरह जो थे मतलब हमेशा से ही एक प्रॉस्पेरस रहे थे वो लोग। अब अचानक उनके पास जब वो चीज़ें कम होने लग गई तो उन्होंने उसको बाहर निकल के देखना शुरू किया, तो वो आम जनता तक भी जाने लग गए और अपनी कॉमर्शियल सर्विस, प्रिस्टली सर्विस देने लग गए, एज अ कॉमर्शलाइज कर दिया उन्होंने। फिर वो रूरल एरियाज में भी जाते थे तो वहाँ उनका आदिवासियों से भी कॉन्टैक्ट होने लग गया। यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मणों की तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि वो लोग फिजिकल लेबर तक करने लग गए। ठीक है, और क्योंकि ब्राह्मण्स का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उनको आए दिन लैंड ग्रांट्स मिल जाती थी और उनको वहाँ जाना पड़ता था जहाँ भी लैंड ग्रांट्स हो, तो इस तरीके से जो है वर्ण सिस्टम का एक तरीके से ग्रोथ होने लग गया। ब्राह्मण्स के बीच में भी अलग अलग रैंक्स हैं, जैसा कि आज हम जानते ही हैं कि कुछ ऊपर अपर ब्राह्मण होते हैं, कुछ लोअर ब्राह्मण होते हैं, तो वो इसी पोस्ट गुप्ता पीरियड में ज़्यादातर डेवलप्ड हुआ। तो आज का जो भी आप देखते हैं ना हमारे वर्ण सिस्टम का, तो वो कहीं ना कहीं आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड की ही देन है। इसी में क्षत्रियस के बारे में बात करें तो क्षत्रियस का प्रसार ऐसे हुआ कि कई सारे न्यू रूलिंग हाउसेज आने लग गए, लोकल ट्राइब से, फॉरेन एथनिक ग्रुप से। तो फॉरेन एथनिक ग्रुप के अगर हम बात करें तो उनमें से बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, शाक्स थे, पार्थियंस थे, हुंस थे, इन सबको वर्ण सिस्टम में एकोमोडेट कर लिया गया और इनको सेकंड क्लास क्षत्रिय डिस्क्राइब कर दिया गया। ऐसे ही कई सारे ट्राइबल चीफ्स थे, उनको भी हिंदू राजा बना दिया गया, और इनको अप्रूवल किसने दिया, ब्राह्मण्स ने दिया अप्रूवल। अब कौन से ब्राह्मणों ने दिया, उन ब्राह्मणों ने दिया जिनको ये पैट्रोनाइज करते थे ना, जिनके संरक्षण में रहते थे ये जिन ट्राइबल चीफ्स के, और इन लोगों से वैदिक परफॉर्मेंस करवाते थे, वैदिक सेक्रीफाइसेस करवाते थे। फिर शूद्रास की बात करें कि शूद्रास का कैसे एक्सपेंशन हुआ जी, तो जैसा कि अभी मैंने हमने डिस्कस किया कि पोस्ट जो गुप्ता पीरियड था उसमें ट्रेड बहुत लोएस्ट तक पहुंच चुका था, तो जो पिटी ट्रेडर्स वगैरह थे उनकी कंडीशन बिगड़ती चली गई, और वो लोग जो थे और भी उनको एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ना पड़ गया, पीजेंट्री की तरफ मुड़ना पड़ गया, या छोटे मोटे काम करना पड़ गया, तो इस तरीके से उनका इसमें एक्सपेंशन होता है। और दूसरी तरफ क्या था कि जो ट्राइबल थे, ट्राइबल्स को भी इनमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, क्योंकि ट्राइबल्स का पता नहीं था कि किस में रखा जाए, तो ऊपर के तो कास्ट में नहीं रख सकते, तो उन्होंने सबसे लोएस्ट कास्ट में ही इनको डाल दिया। तो इस तरीके से शूद्र कास्ट का भी काफ़ी ज़्यादा नंबर भी बढ़ गया और वैरायटी भी बढ़ गई। फिर कास्ट जो थे उनका क्या हुआ, उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ इस पीरियड में। क्यों? क्योंकि आप देखो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे और ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट को दिया जाता था, ऑफिशियल्स को दिया जाता था, और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा था इस पीरियड में ना, क्योंकि इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, ट्रांसफ़र का रखना पड़ता था, खास करके लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि ये जो इकोनॉमी थी वो फुल्ली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो चुकी थी। तो इसके लिए बहुत सारे स्क्राइब्स, रिकॉर्ड कीपर्स की ज़रूरत पड़ी, और यहीं से कायस्थों की रिक्वायरमेंट आई है ना गुप्त पीरियड में, पोस्ट गुप्त पीरियड में। तो इनको किन किन नामों से जाना जाता था, कायस्थ, करना करना कर्ण या करना बोल लीजिए, कर्णिका, पुष्पपाल, चित्रगुप्त, अक्ष पातालिका के नाम से जाना जाता था। तो कायस्थ, वैसे हम कायस्थ बोलते हैं, लेकिन कायस्थ पहले एक इनकी स्क्राइब्स की एक कम्युनिटी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर हम पूरे स्क्राइब और रिकॉर्ड कीपर की कम्युनिटी को ही कायस्थ होने लग गए।
शुरू 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 में हुआ क्या था कि शुरू शुरू में तो इवन एजुके जो अपर कास्ट के लोग थे जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनको लाया जाता था क्योंकि वो एजुकेटेड थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनको बोला जाता था कि आप ये काम करिए रिकॉर्ड कीपिंग का और स्क्राइब्स का। बाद में इन कायस्थों ने क्या किया कि अपना सोशल इंट्रैक्शन बंद कर दिया दूसरे लोगों से, सिर्फ अपने ही लोगों से मिलते जुलते थे, है ना, और अपनी कम्युनिटी का ही पूरा इन्होंने प्रैक्टिसाइज कर दिया। इवन शादियां भी आपस में ही करने लग गए, बाहर वालों का बिल्कुल काट दिया इन्होंने। तो इस तरीके से ये पूरी एक अपने में कास्ट बन गई। फिर अनटचेबल्स की बात करें तो अनटचेबल्स जो थे मेनली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो इंटेंसिफाई हुई वो 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स शुरू हुई थी ज़्यादा। उससे पहले भी था अनटचेबल्स, लेकिन इतना अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं होती थी। इसी ज़माने में एक राइटर हैं, धर्मशास्त्र के राइटर थे कात्यायनन, उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया था अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्य अस्पृश्य जो है वो यूज़ किया था पहली बार टर्म अपने उसमें। 1000 कॉमन एरा तक हम देखते हैं कि जो हंटर्स थे, फिशरमैन थे, बुचर्स थे, एग्जीक्यूशनर्स थे, स्कैवेंजर्स थे, इन सबको ही अनटचेबल घोषित कर दिया गया। और इस बारे में कालिदास, वराहमिहिर, फाहयान ने, बाण ने बहुत कुछ लिखा है कि उनको किस किस सोशल चीज़ों में बैन था, सोशली उनको बैन किया हुआ था, तो उसके बारे में मेंशन है इन लोगों की कि लिटरेचर में। ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि ये लोग नॉर्मली पहले ये लोग बैकवर्ड ट्राइब के थे, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्राह्मणाइजेशन जो वर्ण सिस्टम में आने से मना कर दिया, जो था ब्राह्मण्स वगैरह ने इनको बोला होगा कुछ करने को, इन लोगों ने नहीं किया, तो इनको इनकी ज़मीनें ले करके और गांव से बाहर निकाल दिया गया एक तरीके से। फिर क्राफ्ट एंड कास्ट के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं सारा कि किस तरीके से ट्रेड के डिक्लाइन होने की वजह से क्राफ्ट जो थी, गिल्ड्स जो थी, वो लोग धीरे धीरे कास्ट में बनते चले गए। इसका एग्जाम्पल यहीं से आप देख लो कि स्वर्णकार जो गोल्ड स्मिथ होते थे, मालाकार, चित्राकार, नापिता बार्बर्स को कहते हैं, तो ये सारे पहले क्या थे, एक प्रोफेशन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ट्रेड ख़त्म हो गया, ये लोग वैश्य की कैटेगरी से उतर के किस में आ गए, ये दूसरी कैटेगरीज में चले गए, शूद्र वगैरह में चले गए, तो इस तरीके से कास्ट फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से वीवर, डायर, टेलर, बार्बर्स, शूमेकर्स, आयरन स्मिथ, वॉशरमैन, अदर्स वर रिड्यूस टू द पोजिशन ऑफ अनटचेबल्स, इनको अनटचेबल तक घोषित कर दिया गया। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ वैश्य एंड द राइज ऑफ द सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्र हम डिस्क्राइब कर चुके हैं बहुत कई बार, मैं बार बार वही लाइन बोल रहा हूँ कि कैसे ट्रेड के डिक्लाइन होने से अपर कास्ट वाले जो खास करके वैश्य थे उनका नीचे पतन होता है उनकी लाइफ स्टैंडर्ड में, और वो शूद्र कैटेगरी में चले जाते हैं क्योंकि वो पहले पीजेंट्स में आते हैं, पीजेंट से उनका बदल के वो शूद्र बन जाते हैं, उनको शूद्र कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पीजेंट कैटेगरी वाले थे जो उनको शूद्र कैटेगरी में डाल दिया गया था। फिर पोजिशन ऑफ द वुमन के बारे में बात करें तो इन पहले तो पोजिशन वुमन की काफ़ी अच्छी हुआ करती थी गुप्त पीरियड में, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन हुआ और जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ी, वैसे वैसे वुमेन की कंडीशन भी बिगड़ती चली गई समाज में। सबसे पहले तो लॉ के हिसाब से इनकी मैरिज कर दी गई कि हाँ इनको अर्ली एज में ही शादी कर देनी चाहिए, इवन प्री प्यूबर्टी कर देनी चाहिए इनकी शादी, है ना। एजुकेशन भी इनको डिनाई कर दी गई और इनका प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है, यहाँ तक कि शादी के बाद इनका गोत्र तक बदल दिया जाता था, इससे ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ अब इनका पैटर्नल संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। और जो भी हम स्त्री धन की बात करते थे इस जमाने में भी, तो वो उनके अपना पर्सनल ज्वेलरी तक होता था, पर्सनल ज्वेलरी, ऑर्नामेंट या गिफ्ट तक। कहीं कहीं तो जैसे बृहत संहिता किताब में दिया गया है कि उसमें साफ साफ है कि शूद्र और वुमन की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम सेम कर दी गई थी, शूद्रास और वुमन्स की, इनको किसी भी वेरियस सेक्रीफाइसेस और सेरेमनीज में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। पूजा पाठ होती थी तो वहाँ औरतों को नहीं बैठाया जाता था, और सती सती जो था इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा उभर के आती है सामने, क्योंकि औरतों की कंडीशन इतनी बुरी हो जाती थी उनके हस्बैंड वगैरह के मरने के बाद कि
उससे बेटर यही माना जाता था कि हाँ वो उनको उनके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाए तो बेटर रहेगा। तो ये था फ्रेंड पूरा चैप्टर, होप आपको पूरा क्लियर हो। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट को रिप्लाई भी करेंगे और कोशिश करेंगे उस जो आपकी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई भी करें। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।